आपको पता है खूबसूरत त्वचा पाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें हम अजमाते हैं, बहुत सारी मार्केट में मिलने वाली चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, महंगी महंगी क्रीम्स, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में मौजूद हैं जिनका हम इस्तेमाल करना भूल गए हैं, जो हमारे दादी नानी के ज़माने से होते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं वो घरेलू नुस्खे जिससे आप जितनी से जितनी जो झाइयाँ हैं या पिगमेंटेशन है या इस तरह की समस्याएँ हैं जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और बहुत ही सरल नुस्खे हैं जो हमारे घर में ही मौजूद हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, जो हमारी त्वचा को बहुत ही खूबसूरत और चमकदार बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से घरेलू नुस्खे से अपने चेहरे को चमकदार बना सकते हैं, झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे घरेलू नुस्खे से आपके त्वचा को क्या क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जो चीज है उसकी आवश्यकता होती है वो है शहद। सामग्री क्या क्या रहेगी ये पेस्ट बनाने के लिए, ये फेस पैक बनाने के लिए? तो शहद, पपीता और ओट्स, ये तीन चीजें हैं जो आपके चेहरे को, आपके स्किन को निखारेंगी, चमक लाएंगी, और जो भी आपके पिगमेंटेशन है या झाइयाँ हैं उन्हें दूर भगाएगी, उनसे छुटकारा दिलाएंगे। तो शहद की बात करें, इसके फायदा की बात करें, तो ये त्वचा को नेचुरली एक्सफोलिएट करती है शहद, स्किन को फायदा पहुंचाती है। इसकी मदद से जो स्किन है वो सॉफ्ट होती है, इससे आपके चेहरे में मौजूद पोर्स क्लीन होते हैं, चेहरे की त्वचा को मुलायम रखने और मॉइस्चराइज करने में भी ये मदद करती है। एंड दूसरा आता है पपीता, जो कि स्किन के लिए एल्सिटिसिटी को बरकरार रखने में मदद करता है। पपीते में मौजूद त्वचा की हाइड्रेस को भी कम करने में मदद करता है, और ये फेस पिगमेंटेशन को भी कम करने के लिए भी ये फायदेमंद होता है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत ही लाभदायक होता है पपीता। पपीता को खाना भी चाहिए और चेहरे में लगाने के लिए भी। और तीसरा आ जाते हैं हम ओट्स पे, ओट्स के फायदे। ओट्स का इस्तेमाल स्किन एक्सफोलिएशन करने के लिए किया जाता है, त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए ओट्स बेहद फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल टैनिंग को हटाने के लिए भी किया जाता है, एजिंग साइंस को भी कम करने के लिए ओट्स बेहद लाभदायक होता है, बेहद फायदेमंद होता है। तो इस तरह से ये तो हमारी सामग्रियाँ हो गई, इनके फायदे हो गए, अब इन्हें चेहरे पर कैसे लगाना है, इसका फेस पैक कैसे बनाना है। तो ये जो फेस पैक है ये आपके चेहरे में जो झाइयाँ हैं उसे रिमूव करेगा। इसके लिए आप एक बाउल लें, उसमें से 2 से 3 चम्मच चावल के आटा, जो चावल का आटा है उसे डाल लें। इसके बाद आप इसमें करीब 1 से 2 चम्मच शहद मिला लें, उसके बाद आप इसमें बारीक ओट्स मिला लें, थोड़ा पपीता मिला लें, और इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ओट्स को आप चाहें तो मिक्सचर में पीस लें, जैसे भी आप चाहें। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके अपने चेहरे पर लगाएं। इसके बाद आप 20 से 30 मिनट तक इसे लगा कर रखें। अब इसे आप कॉटन की मदद से ठंडे पानी से आप इसे रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी क्रीम जो भी अप्लाई करते हैं उसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसे आप हफ्ते में दो बार आप इसे लगा सकते हैं, और आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि जो आपकी जितनी झाइयाँ हैं उनसे आपको छुटकारा मिलने लगेगा, और भी बहुत सारी स्किन की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव होने लगेगी। और इसका मतलब ये नहीं है घरेलू जो नुस्खे हैं इसे आप अजमा कर देखिए, हो सकता है किसी की स्किन को ये फ़ायदा करता है या नहीं करता है, तो उसे आपको एक बार में ही पता चल जाएगा। अगर आपको कुछ भी इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, तो को पता चल जाएगा कि किस चीज़ से आपको एलर्जी है, तो उसे अप्लाई ना करें दोबारा। अगर नहीं होता, सूट करता है, तो आप इसे ज़रूर अपने चेहरे पर अप्लाई करें। तो इस तरह से ये घरेलू नुस्खे हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। स्किन चमकदार चेहरे का मतलब ये नहीं है कि आपका कलर फेयर होगा, आपका कलर जो भी है, जैसा भी है, आप वाइटिश हैं, आप डार्क हैं या आप फेयर हैं, हर कोई फेयर बनना चाहता है। फेयर का मतलब ये नहीं होता कि आप फेयर दिखें, बस आपकी स्किन ग्लोइंग दिखे, चेहरा चमकता हो, स्किन चमकती हो, बस आपका कलर जैसा भी हो, तो
पे कुछ ना आप ध्यान दीजिए। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मदद करेगा। थैंक यू, ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।